हेलो टीयर स्टूडेंट, निर्भय वन वन यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। टीयर स्टूडेंट, आज बात करने वाले हैं फिर से, ठीक है, फ्रिक्शन। बीसीसीएलई मैकेनिक्स चल रहा है, उसमें टॉपिक चल रहा है फ्रिक्शन, और उसमें बहुत सारा कंडीशन हम लोग देख लिए थे। फिर उसी में और एक कंडीशन बचा है, लास्ट ये चलेगा, ठीक है। उसके बाद फिर न्यूमेरिकल हम करेंगे, उसके बाद खत्म होगा फ्रिक्शन। तो देखिए यहाँ पे, तो जो भी अभी तक बच्चे नहीं जुटे हैं निर्भय वन वन यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। YouTube में सर्च करना है क्या, निर्भय वन वन, स्पेस मत दीजिएगा बीच में, निर्भय वन वन सटा हुआ देना है, ठीक है। आप देखिए बीसीसीएलई का व्हाट्सएप ग्रुप जो बना दिए हैं, तो वहाँ भी जुड़ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो देखिए पीछे क्या बात कर दिए थे हम लोग, एक कंडीशन हम लोग देखे थे पहले कि जो इस इंक्लाइन सर्फेस के पहले लगेगा, यानी फोर्स इधर लगेगा पी, तब उस कंडीशन में हम बात किए थे कि क्या होगा, ठीक है। उस कंडीशन में हम पी मिनिमम और पी मैक्सिमम निकाल के बताए थे। अब फिर कल जो डिस्कस किए थे इसके पिछले वीडियो में, ये लग रहा था ग्राउंड के पैरेलल लग रहा था, यानी इस डायरेक्शन में लग रहा था पी, तो यानी ग्राउंड के पैरेलल लग रहा था। तो उसमें भी बात किए थे हम लोग पी मिनिमम और पी मैक्सिमम, ठीक है। आज फिर से बात करने वाले हैं क्या जी, आज फिर से इसी को डिस्कस करेंगे कि आपकी जो है लगेगा किधर, इंक्लाइन जो सर्फेस है उसके भी इंक्लाइन लगेगा, यानी इस तरह से लग रहा था पहले, तो आप इस तरह से इंक्लाइन लगेगा, ठीक है। इस पे क्या लगेगा, इंक्लाइन लगेगा, इंक्लाइन सरफेस पे इंक्लाइन लगेगा, तो किस तरह से होगा, ठीक है। इसका शॉर्ट तरीका भी है, लेमिस थ्योरम से फटाक से बन जाएगा। तो अभी पहले इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद लेमिस थ्योरम पढ़ाने लगेंगे तो उसको बता देंगे, ठीक है। उस समय इसको भी डिस्कस कर देंगे और अच्छे से। तो देखिए अभी इस कंडीशन का चल रहे हैं, देखिए यहाँ पे कोई मास बॉडी है, मास एम रखा हुआ, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करेगा एम जी, ठीक है। ये कितना है मान लेते हैं थीटा है, तो ये जान गए कितना होता है, थीटा होता है, ठीक है। अब यहाँ से देखो इधर कंपोनेंट इसका टूटेगा, एक कंपोनेंट, ये कंपोनेंट इधर आएगा, ये कंपोनेंट इधर आएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, और इधर हो जाएगा कितना एम जी साइन थीटा, क्लियर है यहाँ तक, एम जी कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा। अब देखिए मान लेते हैं कि ये इंक्लाइन सरफेस पे जो एंगल बना रहा है पी, वो कितना बना रहा है, अल्फा बना रहा है, मान लेते हैं अल्फा बना रहा है, ठीक है, अल्फा बना रहा है। तो इधर कितना हो जाएगा, इसका भी कंपोनेंट तोड़िए, इधर रिएक्शन लगेगा, ठीक है, इस इंक्लाइन सरफेस पे के द्वारा लगेगा, बॉडी पे रिएक्शन लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन। अब यहाँ पे अल्फा है, तो यहाँ पे इसका भी दो कंपोनेंट टूटेगा, एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर। आपको बोले थे कि जिसका कंपोनेंट तोड़ेंगे उसको मानेंगे कि अब खत्म हो गया है, तो ये इसको हटा देंगे एकदम, मतलब आप समझेंगे कि ये कुछ है नहीं है। अब इसका भी कंपोनेंट तोड़ेंगे तो पी कॉस कितना हो जाएगा, पी कॉस अल्फा, ठीक है, आपको दिख रहा है कि नहीं। चलो दूसरा पेन ले लेते हैं हम, पी कॉस अल्फा कितना हो जाएगा, पी कॉस अल्फा, ठीक है, इधर कितना हो जाएगा बोलो, पी कॉस अल्फा। अब इधर पी कॉस अल्फा हो गया, इधर फिर हो जाएगा इसका दो कंपोनेंट आएगा, एक इधर और एक इधर आएगा, तो इधर कितना हो जाएगा फिर पी साइन अल्फा, ठीक है। यहाँ सब क्लियर है, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब हम बात करते हैं कंडीशन कि पी मिनिमम लगेगा पहले तो क्या होगा, ठीक है, पी मिनिमम लगेगा तो क्या होगा, बॉडी पी मिनिमम लगेगा, यानी पी मिनिमम लग रहा है, तो पी मिनिमम अगर लग रहा है तो यहाँ क्या होगा, इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में टूट रहा है तो ये भी मिनिमम होगा, अगर ये पूरा फोर्स मिनिमम हो जाएगा तो ये फोर्स इसके रिस्पेक्ट में मैक्सिमम होगा, तो इधर बॉडी क्या चाहना चाहेगा, नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना चाहेगा, ठीक है। पी मिनिमम होगा तो क्या होगा, बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना चाहेगा, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, इसके ऊपर, इसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में, तो यानी एफ एस इधर लगेगा, ठीक है, एफ एस लग गया। अब कुछ नहीं करना है, बस पहले रिएक्शन को कर दीजिए, रिएक्शन का मान निकाल दीजिए, फॉर इक्विलिब्रियम, फॉर बॉडी इक्विलिब्रियम, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम होगा तो क्या होगा, बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए आर इधर दो फोर्स लग रहा है, इधर और कोई फोर्स नहीं, तीन फोर्स है इस डायरेक्शन में, तीन फोर्स है, एक फोर्स, दो फोर्स, तीन फोर्स, ठीक है। तो हम जो इधर इसके दो फोर्स एक डायरेक्शन में है और एक फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अपोजिट ब्लॉक को बराबर करके लिखेंगे और फिर बराबर करके सेम ब्लॉक को उधर लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सेम ब्लॉक ऊपर में है तो आर लिख सकते हैं इसको, आर प्लस कितना हो जाएगा पी साइन अल्फा बराबर, नीचे के फोर्स हो जाएगा इक्वल, तो एम जी कितना हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ से आर का मान निकाल लीजिए, तो आर का मान कितना आ जाएगा बताइए जल्दी से, आर का मान यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आ जाएगा आर का मान एम जी कॉस थीटा, और माइनस कितना हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा, ये वाला इधर टर्म आएगा तो माइनस में पी साइन अल्फा। चलो हम पहले आर का मान निकालिए कि रिएक्शन इतना लगेगा, इस बॉडी पे रिएक्शन जो लग रहा है इतना लग रहा है, एम जी कॉस थीटा माइनस पी साइन अल्फा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि
ये हो गया। अब इस डायरेक्शन में टोटल फोर्स जो है हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे, ठीक है। यानी इधर का फोर्स इक्वल टू होगा इधर का फोर्स, ठीक है। यानी अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स होगा। तो यहाँ पे देखिए बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो क्या हो जाएगा, mg sin थीटा। और ये इसके ये इस डायरेक्शन में और कोई फोर्स नहीं है, इस डायरेक्शन में और कोई फोर्स नहीं है। और तब इक्वल टू करके लिख देंगे जो अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, अपोजिट डायरेक्शन में इधर दो फोर्स लग रहा है, पी कॉस अल्फा और एफ एस। तो यहाँ से करेंगे पी कॉस अल्फा प्लस कितना हो जाएगा एफ एस स्टेटिक फ्रिक्शन। यहाँ तक सबको क्लियर है, चलो ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ से आ गया है, तो यहाँ से लिख लेते हैं इसको एम जी साइन थीटा बराबर पी कॉस अल्फा, ठीक है, प्लस म्यू इंटू कितना हो जाएगा एन हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा कितना, एन का मान यहाँ से हम निकाल चुके हैं, आर एन, आर भी लिख सकते हैं एन, यानी क्या है नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है, हम आर ही लिख देते हैं सबको कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। म्यू इंटू कितना हो जाएगा आर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए एम जी साइन थीटा बराबर पी कॉस अल्फा प्लस म्यू का मान, म्यू तो म्यू ही रहेगा, आर का मान निकाल चुके हैं यहाँ से, देख लीजिए कितना है, आर का मान एम जी है कॉस थीटा माइनस पी साइन अल्फा, माइनस पी साइन अल्फा। यहाँ तक क्लियर है सबको, देख लीजिए अच्छा से, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है, अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, बस मल्टीप्लाई कीजिए इसको, क्या आता है एम जी साइन थीटा बराबर पी कॉस अल्फा प्लस म्यू इंटू एम जी कितना हो जाएगा कॉस थीटा माइनस, फिर म्यू इससे गुना होगा तो म्यू इंटू पी इंटू साइन अल्फा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, आप देखिए इसको इसको हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, हम इस टर्म को लेके चलाते हैं बराबर के इधर, तो बराबर के इधर लाएंगे तो क्या है प्लस में इधर है तो इधर माइनस में आ जाएगा, और एम जी हम कॉमन भी ले लेते हैं, ठीक है, एम जी क्या ले लेते हैं कॉमन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस क्या हो जाएगा, एम जी कॉमन ले लिए हैं तो म्यू आई इंटू कितना होगा कॉस थीटा। यहाँ तक सबको क्लियर है, अब इधर दो टर्म बचा हुआ ये और ये, तो इसमें भी पी कॉमन ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, कॉस अल्फा होगा और यहाँ से कितना हो जाएगा, और माइनस में है यहाँ पे माइनस है तो माइनस हो जाएगा बीच में, ठीक है, यहाँ पे माइनस होगा और पी कॉमन ले लिया है तो क्या बचेगा म्यू आई इंटू साइन अल्फा। यहाँ तक क्लियर है सबको, म्यू इंटू कितना हो गया साइन अल्फा। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम लोग, पी मिनिमम निकल गया अब, तो देखिए पी मिनिमम कितना आ जाएगा बताइए जल्दी से। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, फिर उसी तरह से म्यू का मान बताए थे आपको क्या होता है, म्यू बराबर टेन फाई, ठीक है, क्या होता है टेन फाई, तो टेन फाई को हम क्या लिख सकते हैं साइन फाई बटे कॉस फाई, ठीक है, साइन फाई बटे कॉस फाई। उसी तरह से म्यू का मान यहाँ पे रख दीजिएगा साइन फाई बटे कॉस फाई, पिछले वीडियो में इस तरह से बता चुके हैं आप लोग को, ठीक है, तो साइन फाई बटे कॉस फाई हो जाएगा, यहाँ भी साइन फाई बटे कॉस फाई, उसको सॉल्व कीजिएगा बस फॉर्मूला आ जाएगा, फॉर्मूला पे पीछे वीडियो बता चुके हैं इस तरह का। हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं, देखिए यहाँ तक क्लियर है, तो चलो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख देते हैं, देखिए यहाँ से इसको सॉल्व कीजिएगा आप लोग, कर लीजिएगा सॉल्व, यहाँ पे म्यू का मान रखिएगा साइन फाइव बटे कॉस फाइव, यहाँ भी रखिएगा साइन फाइव बटे कॉस फाइव, और उसके बाद क्या कीजिएगा, उसके बाद एलसीएम दोनों साइड ले करके उसके बाद सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा तो इतना आ जाएगा, देखिए कितना आएगा यहाँ से आ जाएगा कितना, तो यहाँ से आ जाएगा आपको साइन थीटा माइनस फाइव, ठीक है, इस फॉर्मूला पे आ जाएगा एक, और हो जाएगा नीचे कॉस फाइव, यहाँ से हो जाएगा पी और क्या हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस फाई बटे क्या होगा कॉस फाइव, ये दोनों नीचे नीचे कट गया, यहाँ से पी मिनिमम निकल गया कितना बताइए, पी मिनिमम इधर आ जाएगा, ये तो हो जाएगा एम जी साइन थीटा माइनस फाई, ठीक है, बट कितना हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस फाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा आप लोग डायरेक्ट, तो हम तो प्रूव करके बता दिए लेकिन आप लोग डायरेक्ट याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से पी मिनिमम क्या हो जाएगा एम जी साइन थीटा माइनस फाई कितना होगा थीटा माइनस फाई अपटेक होगा कितना कॉस अल्फा प्लस फाई, ठीक है, कॉस अल्फा प्लस क्या हो जाएगा फाई हो जाएगा। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया, ये कब होगा जब पी मिनिमम लगेगा तब, ठीक है, पी मिनिमम होगा तब तो पी मिनिमम होगा तब बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना चाहेगा, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम जी साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा पी कॉस अल्फा प्लस एफ एस हो जाएगा, ये इक्वेशन निकाले हैं
और उसी में आर कमांड रख दिए, आर कमांड रखने के बाद म्यू कमांड रख दीजिए आप लोग, साइन फाइव टे कॉस फाइव, उसके बाद इस तरह से फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला निकल गया। और यही पी मैक्सिमम जब लगेगा तो उस केस में क्या होता है, आप चाहें तो प्रूफ भी कर सकते हैं, हम डायरेक्ट यहाँ पे फार्मूला लिख देता हूँ, क्योंकि इसी तरह से सेम टू सेम इसी तरह से सॉल्व होगा। उसमें क्या होगा कि थोड़ा सा चेंज होता है, आर रिएक्शन तो पूरा यही रहेगा, ठीक है, रिएक्शन का मान तो यही रहेगा, यहाँ से ये इक्वेशन में थोड़ा सा चेंज होगा कि पी मैक्सिमम जब होगा, पी मैक्सिमम होगा तो इसका कंपोनेंट इधर आ रहा है, इसका मतलब क्या, ये फोर्स मैक्सिमम होगा, ये फोर्स मैक्सिमम होगा तो बॉडी टेंस टू इधर करना चाहेगा मूव अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, टेंस टू मूव करना चाहेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, तो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना चाहेगा तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, एफएस, यानी फ्रिक्शन का मान खाली अपोजिट हो जाएगा। तो इस केस में फॉर्मूलाजी जो आएगा इक्वेशन इस तरह से, ये इक्वेशन जो आएगा वो कितना होगा, एम जी साइन थीटा प्लस एफएस बराबर हो जाएगा पी कॉस अल्फा, ठीक है, बराबर हो जाएगा, ये जो एफएस है इधर आके जुट जाएगा और बराबर हो जाएगा पी कॉस अल्फा, समझ रहे हैं। तो पी मैक्सिमम होगा तब उस कंडीशन में होगा, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं फॉर्मूला, देखिए कितना आ जाएगा पी मैक्सिमम, बस यही फॉर्मूला होता है, थोड़ा सा प्लस माइनस होता है चेंज और कुछ नहीं। देखिए साइन यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, थीटा प्लस कितना हो जाएगा फाइव, अब बटे हो जाएगा कितना कॉस, कॉस फाइव माइनस अल्फा, बस हो गया, यही तो करना है। यहाँ पे फाइव प्लस अल्फा आया और थीटा माइनस फाइव आया, तो माइनस की जगह प्लस और प्लस की जगह माइनस कर देना, तो यहाँ से ये निकल के आ जाएगा, ठीक है, आप लोग को क्लियर है यहाँ पे। तो पी मिनिमम निकल गया, पी मैक्सिमम। यहाँ पे बी सी सी एल एग्जाम में क्या करता है, कभी कभी इस पे पूछ देता है, इस पे आपको डायरेक्ट दे देगा, अल्फा फाई सब मान दिया रहेगा, मास भी दिया रहेगा, बस डायरेक्ट इस फॉर्मूला में रखना रहेगा, बस आंसर आ जाएगा। और कभी कभी इस पे दे देता है क्वेश्चन, ठीक है, तो आप लोग डायरेक्ट इस तरह के क्वेश्चन देखिएगा, बस डायरेक्ट इस फॉर्मूला को पुट कीजिएगा, इस फॉर्मूला में पुट करते साथ मात्र 30 सेकंड के अंदर आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो चलो, वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर एक बार लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।